जय भीम। सभी को जय भीम। राम बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समाज में एक जागृति पैदा करने के लिए अपना स्पीच दिया। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं। एक व्यक्ति बैठे हैं हमारे बीच में, बड़े दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? तो ऐसे ही मैं कुछ नाम नहीं ले रहा किसी का, बड्डी बोला हो सकता है सभी दुखी हैं। तो तथागत भगवान बुद्ध ने पूछा, भाई आप क्यों दुखी हो? उन्होंने पूछा आप क्यों दुखी हो? उन्होंने कहा कि नहीं पता मुझे मैं क्यों दुखी हूं। मैं कोई तो कारण होगा दुख होने का। बोल नहीं मुझे नहीं पता मैं दुखी क्यों हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपके दुख का कारण पता कर देता हूं। ऐसा करिए अभी जंगल में जाइए, छोटे छोटे पेड़ उखाड़ के लाइए और ऐसे पेड़ उखाड़ के लाइए जिनके दो या तीन ही पत्ती छटी हो और अलग अलग जाति के हों। वो बेचारा दुखी व्यक्ति उठा हमारे बीच में से और गया और उन्होंने उसको दो तीन पौधे लाके दे दिए। भगवान बुद्ध ने पूछा आप जानते हैं किस चीज के पेड़ है? उन्होंने कहा नहीं जानता क्योंकि इसमें पत्तियां है नहीं, फूल है नहीं, फल है नहीं, मैं क्या जानू। बोलो देखिए मैं बताता हूं, इस पौधे को देखिए, इस पौधे को ऊपर मत देखिए, नीचे आ जाइए। आपने इसको जड़ से उखाड़ा है, आपने इसको जड़ से उखाड़ा है, जड़ के नीचे देखिए, जड़ में इसके बीज का आवरण लगा हुआ है। आवरण को पहचानते हैं? तो आवरण को पहचानने के बाद आपको पता चला कि ये किस चीज का पेड़ है? बोल बिल्कुल पता चल गया कि नीम का है, ये बबूल का है, कीकर का है, इस तरह का उसने पता है। तो भगवान बुद्ध ने बताया तो दुख का भी एक बीज होता है, दुख का भी एक बीज होता है और वो बीज यानी कारण होता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने समझाया कि आपके जीवन में दुख है और दूसरी बात बताई कि दुख का कारण है और तीसरी बात उन्होंने आगे बताई कि उस दुख का उपचार है, उस कारण का उपचार है। और उपचार क्या बताया? सम्यक मार्ग। उपचार हमें क्या बता गए? सम्यक मार्ग। और सम्यक मार्ग में हमारे अष्टांगिक मार्ग आते हैं, अगर हम उन अष्टांगिक मार्ग पर चलें तो हमारे दुखों का निवारण हो सकता है। एक छोटी सी कहानी थी मैंने आपको बताई कि शायद आप उस पर ध्यान दें। और दूसरा आज के टॉपिक पर मैं आता हूं, आज का जो टॉपिक है आपके सामने है कि एक शाम संविधान के नाम, और दूसरी एक संविधान की कॉपी हमारे सामने रखी हुई है और जितने पीछे तक बच्चे हैं बैठे हुए, महिलाएं बैठी हैं, हमारे साथीगण बैठे हैं, सभी को पता है संविधान का नाम सब जानते हैं, लेकिन उसमें है क्या? क्यों उस पर इतना जोर दे रहे हैं? किस लिए? क्या कारण है? हम क्या समझे? संविधान को लागू हुए 68 से ज्यादा वर्ष हो गए और हम उसको समझ नहीं पाए, और जब हम समझ नहीं पाए इसलिए आज हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं। हमने समझा नहीं, समझाया भी नहीं, समझ भी नहीं पाए और इसलिए आज हम हमारे साथियों के साथ, हमारे वर्ग के साथ अत्याचार हो रहे हैं। साथियों ऐसा क्यों? क्यों कि हमने संविधान के मार्ग को छोड़ के दूसरे मार्ग अपनाए, हम एक दूसरे झूठे पथ पर निकल गए। हमें जो काम करना नहीं चाहिए था, हमें घंटे नहीं बजाने चाहिए थे, हमने घंटे बजाने शुरू कर दिए। हमने संविधान को पढ़ा नहीं, बताया नहीं, समझा नहीं क्या है क्या नहीं।
तो सबसे पहले दोस्तों साथियों, मेरा निवेदन है कि संविधान की प्रति अपने घर में रखें, और घर में रखने के साथ साथ उसको पढ़ें, और उसको पढ़ने के साथ साथ उसका इंपोर्टेंस आप सारा नहीं पढ़ सकते। 408 अनुच्छेद हो गए हैं, अभी नहीं पढ़ सकते आप, तो उसे कुछ पार्ट पढ़ लीजिए, एक आत्मा पढ़ लीजिए। संविधान की आत्मा कौन सा है? संविधान की आत्मा है मूलभूत अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। अभी रामबाबू जी ने बताया कि आर्टिकल 15 पर एक फिल्म आ रही है। आर्टिकल 15 क्या है, अनुच्छेद 15 क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला उन्होंने। और जो हमारे फंडामेंटल राइट शुरू होते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक, पार्ट तो 36 तक, आर्टिकल 36 तक जाता है पार्ट 3, लेकिन हमारे जो अध्ययन करने वाली चीज है आर्टिकल 40 से लेकर आर्टिकल 32। अब समानता को अधिकार तो दे गए हमें, कि आपने उस समानता के अधिकार का कभी वायलेशन होते देखा है? बिल्कुल होते देखा है, दिन रात हो रहा है, आप यहां बैठे आराम से, आप देहात में चले जाइए, गांव में चले जाइए, क्या उसका उल्लंघन नहीं हो रहा? सरेआम हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको अधिकार मिला, आप इस लायक हो गए कि आप यहां खड़े होकर बोल सकते हैं, एक समारोह कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए हमें जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, और उसके लिए जरूरत है संगठित होने के लिए। बाबा साहब कह गए थे कि तीन मुख्य नारे थे, संगठित बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। हम इन तीनों को साथ साथ लेके चलना है, तभी हमें सफलता मिलेगी। आज भी हमारे देहातों में हमारे भाइयों के साथ उतने अत्याचार होते हैं जितने पहले हो रहे थे। आजकल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आए दिन आते रहे होंगे, देखे होंगे, क्या हमने कभी उसकी सच्चाई जानी? कभी हमने उनके पास अप्रोच करने की कोशिश की? कभी हमने उनके सहयोग करने की कोशिश की? नहीं। हम एक ऐसे आवरण में रह गए, अपने एक आवरण बना लिया, एक खोल बना लिया, जिसमें हम अपने आप को छुपा कर रखना चाहते हैं। एक हमने अपने एक चिड़िया के घोंसले की तरह एक दुनिया बसा ली, यही मेरी दुनिया है, इससे बाहर नहीं निकलना चाहता मैं। क्या हमारे साथी नहीं है बहुत सारे, यहाँ सुन रहे होंगे, लेकिन अपने कमरे से, अपनी खोली से निकलकर यहां तक बैठने में शर्म आ रही है। अगर उनको एहसास हो कि तुम इस लायक यहां तक पहुंचे हो, कैसे पहुंचे हो, और जिस दिन उनको एहसास हो, उनको पता चलेगा कि उनके उस यहां तक पहुंचने के लिए किन किन का संघर्ष, किन किन का खून पसीना बहा था। तो साथियों, मैं आपको संविधान के बारे में थोड़ा सा बता रहा था। आर्टिकल 14 से 18 हमारा समता का अधिकार है, 19 से आर्टिकल 19 में हमें लिबर्टी मिली हुई है, 20 में हमें क्राइम से संबंधित है, 21 में जो एक्यूज पर्सन होता है उनके राइट्स हैं, तो इनका प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे पास, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी व्यक्ति के जान को बगैर कानूनी कार्रवाई के आप नहीं छीन सकते, बगैर लीगल प्रोसेस के किसी भी शरीर या उसके प्राण का अधिकार, उस पर हम आतंक यानी कोई भी चीज तो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर ये आपको पता होगा उसमें क्या क्या राइट्स हैं आपके पास, आर्टिकल 22 में आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, पुलिस से बचने के लिए आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, आपको जानकारी नहीं होगी तो आप तो मार खाते रहेंगे, आप तो पिटते रहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जब आपको अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट करने का आपको कारण पूछना होगा, कारण बताया जाएगा, आपका राइट है, आप मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। अरेस्ट करने के बाद आपको अपने मनपसंद वकील चुनने का राइट है, आपको मनपसंद चुनने का राइट अधिकार है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर
मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का पुलिस पेश करेगी। 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट को पेश करना होगा। 24 घंटे से ज्यादा पुलिस आपको नहीं रख सकती, यदि रखती है तो उस संबंधित अदालत या मजिस्ट्रेट की परमिशन होगी। उसके बाद एक ही अपराध के लिए आपको दो बार सजा नहीं हो सकती। एक बार यदि आपको सजा दे दी गई है तो उसी पर दोबारा आप पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और यदि ऐसा अपराध जो पहले अपराध नहीं था लेकिन आपके जेल जाने के बाद नया कानून बन गया और उसमें वो बात आपके लिए अपराध हो गई, तो उस अपराध के लिए आपको सजा नहीं दी जाएगी। यानी जिस समय आपने अपराध किया, किसी ने कोई कार्य किया और वो कानून उस समय नहीं था और दो दिन बाद वो कानून बन गया, तो उस नए कानून के अनुसार आपको सजा नहीं दी जाएगी। वही कानून लागू होगा जो दो दिन पहले अपराध करते समय लगा। तो साथियों, जब तक ये जानकारी आपके पास नहीं होगी तो आप कैसे संघर्ष कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना अधिकार ले सकते हैं? साथियों, आज जो हमारे पास समस्याएं आ रही हैं सामाजिक सुरक्षा की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक मुद्दा है सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे बहुजन समाज से जुड़े हुए हैं। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा क्या है? मुद्दा चलता है कि जातिगत आरक्षण खत्म कर दीजिए, आर्थिक आरक्षण लागू कर दीजिए। आर्थिक आरक्षण का लागू करने का सामाजिक जातिगत आरक्षण का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। वो आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी दलित वर्ग से आते हैं, सबको मालूम है। वो दो मंदिर की विजिट की उन्होंने। वैसे तो बहुत मंदिर की विजिट कर रहे हैं, लेकिन दो मंदिर का नाम इसलिए ले रहा हूं कि उनके साथ जो आर्टिकल 15 का समानता का अधिकार था वो वहां उनको भी नहीं मिला। साथियों, जब राष्ट्रपति जैसे पद पर रहते हुए व्यक्ति को हमें अधिकार नहीं दिए जा रहे, तो नीचे वर्ग की क्या औकात होगी? आपको पता है, अजमेर में मंदिर में गए थे, वहां क्या हुआ था? जगन्नाथपुरी मंदिर में गए, उनके साथ क्या हुआ था? मैं यहां से उन बातों को नहीं दोहराना चाहता। तो जब इतने पद पर रहते हुए इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ ऐसी असमानता, ऐसी भावनाएं आती हैं, तो हमारे साथियों के साथ क्या होता होगा? तो सोचने वाली बात है साथियों। सामाजिक जो न्याय है उसके लिए आपको अपने अधिकारों का पता होना चाहिए। आपको फ्री लीगल एड मिलती है। फ्री लीगल एड उन व्यक्तियों के लिए है जो ये साबित करते हैं कि साहब मैं वकील करने के लायक नहीं हूं, तो उनको फ्री लीगल एड मिलेगी। तो ये जो भारतीय संविधान में उपबंध किए हुए हैं, यदि हमें उनकी जानकारी नहीं होगी तो हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके अलावा हमें संविधान की रक्षा और सुरक्षा कैसे करनी है? आज हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, किस तरह से अधिकारों का हनन हो रहा है? सबसे पहले आजकल अखबारों में पढ़ रहे होंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट, जो एक IAS लेवल की पोस्ट होती है, सीनियर पे जाके बनता है लेकिन IAS कैटेगरी से ही जाकर के वो प्रमोट होते हैं आगे। 400 ज्वाइंट सेक्रेटरी बैकडोर से भारत सरकार में आ रहे हैं, ये कौन है? आपके पद कहां गए उसमें से? भाई 2200 का 88, 400 में 22% से लगा लीजिए, 88 सीट कहां गई? हमारे आदमी तो नहीं होंगे ना? ये है हमला, असली हमला है जो आपको पता भी नहीं चल रहा। आपके पैरों के नीचे की जमीन को निकाला जा रहा है और आपको एहसास भी नहीं हो रहा कि हमारी जो सीट है, हमारे हक है, हमारे पद है, वो कहां जा रहे हैं, कल हम कहां जाएंगे, क्या करना होगा। उसी तरह से एक
संत हैं जो संत के नाम से जाने जाते हैं भारत में, जिनको कहते हैं अखबारों में लिखने वाले कहते हैं संत श्री 108 रविशंकर जी। आपने पढ़ा होगा उनके एक लैंग्वेज, एक सेंटेंस पढ़ा होगा, स्पीच पढ़ी होगी। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट उग्रवादी होते हैं, सरकारी स्कूलें उग्रवादियों को जन्म देती हैं, शर्म की बात है, उनको शर्म आनी चाहिए। जो हमारा जो बहुजन समाज तबका है सारा, वो सरकारी स्कूलों से पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हम बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूलों में से नहीं पढ़ते। क्या हम सब उग्रवादी हैं? क्या हम सब आतंकवादी हैं? लेकिन किसी ने विरोध तक नहीं किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो विचारधारा चल रही है कहां से चल रही है, वो क्या कहना चाहते हैं? उसका मतलब है कि प्राइवेट सरकारी स्कूलों को बंद कर दीजिए, अच्छी अच्छी स्कूलें बनाइए प्राइवेट, बहुजन तबके के पास पैसा नहीं होगा, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा, उसके बच्चे घर बैठेंगे, सड़क पर भीख मांगेंगे, अपने आप सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत सोची समझी रणनीति। उसी तरह से जो पूरा तरह शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, अभी एक अखबार में पढ़ा होगा घर के सामने से चप्पल पहन के जाते हुए महिला को पीटा गया। किसी घर के सामने से महिला चप्पल पहन के किसी घर के सामने से गुजरी, उसका अपराध हो गया और उस महिला को पीटा गया। यह समानता अधिकार है, हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरिया कहां गया हमारा समानता अधिकार? क्या हम इतने गए गुजरे हो गए कि चप्पल पहन करके नहीं निकल सकते किसी घर के सामने से? एक पब्लिक रास्ता है, उससे क्या हमें गुजरने का राइट नहीं है? क्यों नहीं है? ये हमें हक दिया बाबा साहब के संविधान के द्वारा कर दिया। तो साथियों उठो, जगो, संघर्ष करो, जागृति पैदा करिए, अपने हक के लिए लड़िए। और जो कौम अपने इतिहास को नहीं जानती, जो अपने हक के लिए लड़ सकती, वो कभी कौम क्रांति नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, समय ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, औरों को भी बोलने का मौका है। धन्यवाद, थैंक यू। महेंद्र सिंह जी और कौसाम्बी के गवर्नमेंट अपार्टमेंट के सभी साथियों को धन्यवाद, हमें मौका दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रतनलाल साहब का। अब मैं आपके बीच नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।